बात करूंगी आपसे हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप्स इन दिस डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। टेक्नोलॉजी किसी न किसी रूप में ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीफोन हो, टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो और या फिर अब मोबाइल फोन्स। आज की डिजिटल दुनिया में कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस पहले जैसी नहीं रही। हम एक दूसरे से जुड़े तो हैं बट आर्टिफिशियल। हमने अपने अराउंड एक ऐसा सर्कल बनाया है जिससे हमें लगता है दैट वी आर वेरी वेल कनेक्टेड विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, बट वो रियलिटी नहीं है। वी आर कनेक्टेड बट नॉट विद द हार्ट। डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी हुआ है दैट हम अभी भी उससे कोप अप नहीं कर पाए। आज हमारे पास बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको थॉटफुली यूज करके हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को बहुत ही अमेजिंग एंड क्लोज टू आवर हार्ट बना सकते हैं। ऑल्दो इट इज ट्रू दैट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू मीट आवर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस ड्यूरिंग दीज टाइम्स, बट यू शुड नॉट थिंक दैट यू आर अलोन। Thanks to virtual technology, we can still connect with our friends and family. यकीन मानिए, अपने friends and extended family members के साथ time spend करने के लिए आपको छुट्टियों का wait करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Thanks to virtual technology, आप weekly, fortnightly and even monthly virtually इनसे connect कर सकते हैं। Plan कीजिए कोई भी movie date, dinner date, game night. And of course, kids, art and craft classes, group fitness classes with your friends and family. चाहे हमारी relationship real world में हो या virtual world में, किसी भी relationship को maintain करने के लिए कुछ qualities बहुत बहुत important होती हैं। इनको मैंने नाम दिया है share का। Share में पहला अक्षर आता है S, S यानी safety. किसी भी रिलेशनशिप में जब तक आप सेफ, कंफर्टेबल एंड सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, दैट रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रू रिलेशनशिप। सो मेक श्योर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो फ्रेंड है या कोई फैमिली मेंबर, यू आर प्रोवाइडिंग दैट सेफ्टी टू दैट पर्सन एंड इन टर्न यू ऑल्सो फील सेफ इन दैट रिलेशनशिप। शेयर का सेकेंड लेटर है एच। H stands for honesty. एक true relationship में आप बहुत honest होते हैं अपने partner के साथ। कोई भी बात आप without any fear of judgment, without any fear of being ridiculed, उनसे share करते हैं and similarly वो भी आपसे उतने ही transparent होते हैं। So याद रखिए, honesty is the base of any worthy relationship. Share में third letter है A. A stands for acceptance. Acceptance का मतलब है कि एक worthy relationship में आप जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। एक दूसरे की unique qualities को difference समझ करके fix करने का try नहीं करते, और अगर कभी disagreement हो भी जाए तो उसको amicably प्यार से resolve कर लेते हैं। Share में fourth letter आता है R. R stands for respect. Respect किसी भी relationship के लिए बहुत जरूरी है। Respect का मतलब है एक worthy relationship में हम दोनों partners को equally treat करते हैं। किसी का opinion ज़्यादा या कम important नहीं होता। So make sure that in a true relationship, respect forms the base of it. Share का fifth and last letter है E. E stands for enjoyment. कोई भी रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, वो आपको एनर्जेटिक, अलाइव और हैप्पी फील कराती है।
आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इवन अपने दुख दर्द भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं तो उसको अपने दिल से लगा लीजिए, बिकॉज यस, दैट इज अ ट्रू एंड वर्थी रिलेशनशिप। अनडाउटेडली टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को और भी स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प कर सकती है। हमारे जिन फ्रेंड्स से, जिन फैमिली मेंबर्स से, जिन पुराने दोस्तों से संपर्क टूट भी गया है, उनको भी हम सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं और वापस कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। वी हैव न्यूमरस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स। अब हमें देखना है दैट हम इस टेक्नोलॉजी को, इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करते हैं और जो ये हमें प्यारे दोस्त और प्यारा परिवार मिला है उसके साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं। सो दीज वर द 5 टिप्स विच कैन मेक एनी रिलेशनशिप ट्रू एंड वर्थी। आई होप दैट यू गोना टेक एडवांटेज ऑफ इट and wish you a great deal of love and happiness in all your relationships.